मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आर्यन खान को मिली है जमानत। ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत दी गई। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, काफी समय से चल रहे ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान अरेस्ट थे, जहां वो जेल में बंद थे कई दिनों से। आज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत दी गई है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स केस में जमानत दी है आर्यन खान को। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्यन खान कोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स केस में शामिल आर्यन खान को आज जमानत दी है। मुंबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज जिस तरीके से आर्यन खान को जमानत दी गई है, तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में बताएं। सर, मैं जरूर ड्रग्स केस में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। समीर बानखेड़े से लेकर तमाम नाम ऐसे शामिल हो रहे हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ड्रग्स का खेल जो है महाराष्ट्र में चरम पर है। जिस तरह से सरकारों में संरक्षण मिल रहा है, कैसी व्यवस्थाएं चल रही है, कोई पता नहीं है। सेलिब्रिटी के माध्यम से कहां वहां आदान प्रदान हो रहा है, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कुछ पार्टियां आम है, किसी का इस तरह ध्यान नहीं है। हाल में ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत, वो भी एक विवाद रही, संदेह रही कैसे हुई, उसमें भी तमाम ड्रग्स के मामले उठे रहे, पर मामला वही डाक के तीन पार। इसके पहले भी तमाम जो कॉमेडी स्टार रहे उनके नाम भी आए थे। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर एक बार बिल्कुल साफ करता हूँ कि जिस तरह से ड्रग्स के मामले में महाराष्ट्र चरम पर है, ये मुद्दा आप विचार करने योग्य है, उसको रोकने योग्य है। वही अगर आर्यन खान की बात करें तो बड़ा नाम है, शाहरुख खान के बेटे हैं, और जिस तरह से उनका नाम आया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी क्रूज पार्टी से हुई थी, वहां पर गिरफ्तार किए गए थे, कुछ ड्रग्स भी मिला था, और उनके साथ अरवाज मर्चेंट और मनमोहन धनेजा भी वहां पर गिरफ्तार हुए किए गए थे। तो फिलहाल जमानत की तमाम लगभग 7 अक्टूबर से जमानत की प्रक्रिया चल रही थी, 7, 14, 21, 25 होते होते खारिज होते होते सेशन कोर्ट पहुंचते पहुंचते अब जमानत दी गई है, और एक दो दिन में रिहा भी हो जाएंगे। पर यहाँ पर अभी भी यह ऐसा है कि इन लोगों तक ड्रग्स पहुंचती कैसे है, कैसे माफिया सक्रिय है, किस पार्टी के ड्रग्स की पार्टी होती है, तमाम जानकारी होने के बावजूद इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न आज भी है। तो गौरव, अभी जिस तरीके से इनके कुछ साथियों को भी साथ में गिरफ्तार किया गया था, क्या उन साथियों को भी जमानत दी गई है? जमानत मिलेगी तो तीनों को मिलेगी, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, क्योंकि मामले तीनों पर सेम लगाए हैं, कोई अलग नहीं है। तीनों को जमानत मिलेगी, पर एक हो सकता कल रिहा हो जाए, ऑर्डर मिलेगा, या परसों रिहा होंगे। तो जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आर्यन खान का नाम है और अरबार मर्चेंट का नाम है और मनमोहन धनेजा का नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बालूगढ़ के लोग और सेलिब्रिटी टाइप के जो लोग हैं, जो बड़े नाम हैं, उनके लोग या उनका इस ड्रग्स से जुड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी विवादास्पद बात है, संदेहपूर्व बात है, उस पर सरकार को और प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और अगर बता दें मुद्दे की बात बता दें, तो मैं आपको बताया शुरुआत में मैंने कहा पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति इस मुद्दे पर गर्मा गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर, धरने पर बैठे दो गुटों की आपस में मारपीट हुई, जब पुरानी पेंशन सहित कई मामलों को लेकर चल रहा है धरना। धरना देने वालों में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी भी शामिल, हंगामा करने वालों को कराया गया शांत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धरने पर बैठे दो गुटों में आपस में झड़प हुई है। पुरानी पेंशन सहित कई मामलों को लेकर चल रहा था धरना प्रदर्शन, जहां धरना देने वालों में कर्मचारी शिक्षक और अधिकारी भी शामिल है। हंगामा करने वालों को कराया गया है शांत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या मामला है पूरा? मामला यही मैम बता सकते, यहाँ पे यही मामला है कि मतलब कि आपस में दो लोग अपने में भिड़ गए, और तत्कालीन वहाँ पर पुलिस पहुंची और
उन लोग को समझाया बुझा के मामले को शांत कराया गया। अब कुछ देरी के बाद धरना फिर से शुरू किया। सदर कोतवाली पर धरना ये दिया गया था शिक्षकों द्वारा। किस वजह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था? मतलब 4 साल से इनका वेतन रोका गया है, जिसके कारण से इन लोगों ने आज सदर कोतवाली के धरना स्थल पर धरना दिए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 2022 के चुनाव की तैयारियां में जुटी है। चुनाव के मद्देनजर प्रियंका का यूपी दौरा चल रहा है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची है लखनऊ एयरपोर्ट। दिल्ली से लखनऊ पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा। एयरपोर्ट से कॉल निवास के लिए रवाना हुई है प्रियंका। 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची हैं, जहां कांग्रेस महासचिव गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची हैं, दिल्ली से लखनऊ पहुंची हैं। एयरपोर्ट से कॉल निवास के लिए रवाना हुई है प्रियंका गांधी। 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर पहुंचे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां कार्यकर्ताओं ने किया है उनका जोरदार स्वागत। जयंत चौधरी की जनसभा को लेकर उमड़ा है जनसैलाब। केंद्रीय थाना क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। रामपुर पहुंचे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, कार्यकर्ताओं ने किया है उनका जोरदार स्वागत। रामपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जयंत चौधरी की जनसभा को लेकर उमड़ा है जनसैलाब। केंद्रीय थाना क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित।